उत्तर प्रदेश बहराइच राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश जयराम राजपूत को जिलाध्यक्ष नवनिर्वाचित किए जाने से कर्मचारियों ने खुशी व्यक्त की है, जिसमें संचालन राजपाल सिंह तथा संरक्षक राधेश्याम ने कार्यक्रम को संपन्न कराया। इस मौके पर शाखा बहराइच सिविल लाइन पावर हाउस कर्मचारी रोहित लोधी, अशोक मिश्रा, जरवल चुनाव अधिकारी सुधाकर मिश्रा, मध्यांचल अध्यक्ष नीरज तिवारी, संगठन सचिव जितेंद्र कुमार यादव, जिला कार्यवाहक जितेंद्र कुमार मौर्य, जिला सचिव शंभु सिंह, जिला कोषाध्यक्ष मिश्रीलाल, संगठन सचिव विष्णु यादव, अरविंद कुमार पांडे, संगठन सचिव गौतम वर्मा, ब्रिजेश पांडे, मीडिया प्रभारी मनीष पटेल, आनंद सिंह कार्यालय सचिव महेश कुमार यादव, प्रचार सचिव अरविंद यादव आदि सैकड़ों कर्मचारी तथा पदाधिकारी मौजूद रहे। अपना नाम? राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के सदस्य होने के नाते शपथ लेता हूँ कि मैं राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश पूरी आस्था रखूंगा और एवं सभी साथियों एवं सदस्यों तथा पदाधिकारियों का उचित सम्मान करूंगा। संघ को आगे ले जाने में पूरा प्रयास करूंगा तथा संघ विरोधी किसी भी गतिविधि में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कहीं भी शामिल नहीं रहूंगा। मध्यांचल अध्यक्ष राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश जी, आज इस बहराइच की कार्यकारिणी का द्विवार्षिक पुनर्गठन है जी, जिसमें हमारे केंद्र से पदाधिकारी और हमारे मुख्य अतिथि जी केंद्रीय उपाध्यक्ष श्री ब्रजेश, केंद्रीय उपाध्यक्ष श्री दीपक चक्रवर्ती जी एवं केंद्र कार्यकारिणी के तमाम पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हुए हैं जी। जो हमारे कार्यकारिणी का जो संगठन की नियमावली है द्विवार्षिक गठन की, उसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आज हम लोग ने कार्यकारिणी गठन का प्रोग्राम इस धरती पर रखा है जी। और जिसमें मैं बड़ी प्रशंसा के साथ कहना चाहता हूं कि हमारी इस कार्यकारिणी के प्रेम और समर्पण को देखते हुए हमारी पूर्व के जिला अध्यक्ष और सचिव को कार्यकारिणी ने पुनः गठित किया है, इसके लिए मैं सभी को बधाई एवं अभिनंदन एवं बहुत बहुत प्यार करता हूँ। एक चलते आपने कार्यकारिणी गठित कर दी है और कैसे काम होगा, इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे? कार्यकारिणी हमेशा हमारी प्रत्येक जिले से जो भी है केंद्र स्तर से क्षेत्रांतर्गत जितने भी जिले हैं उनमें कार्यकारिणी हमेशा मजबूती से कार्य की है। जिले स्तर तक के मुद्दों को जिला कार्यकारिणी ने कभी ऊपर तक जाने ही नहीं दिया, क्योंकि जिला कार्यकारिणी अपने में इतनी सक्षम होती है कि अपने साथी का संरक्षण एवं सेवा वो कर सकती है। इसीलिए कभी जिला कार्यकारिणी ने किसी मुद्दे को ऊपर नहीं जाने दिया और जिला कार्यकारिणी जितनी भी है हमारे प्रदेश की, मुझे पूरी सभी जिला कार्यकारिणियों पर गर्व है। रहे केंद्र स्तर तक के मुद्दे जो हमारे जैसे 4200 ग्रेड पे का मुद्दा है, अम्बेलन की समस्या है, हमारे साथियों को जो स्थानांतरण अनाधिकृत तरीके से प्रबंधन ने कर दिया है तानाशाही रवैये से, उसको भी रोकने के लिए हम शीर्ष नेतृत्व से संघर्ष कर रहे हैं। बाकी हमारी जिला कार्यकारिणी जो छोटे मुद्दे हैं उनको निपटाने में सक्षम है और मैं अपनी प्रत्येक जिले की जिला कार्यकारिणी पर मुझे गर्व है इस चीज के लिए। धन्यवाद। देखिए तिवारी कहना चाहेंगे, धन्यवाद के तौर पर क्या कहना चाहिए? मैं जयराज राजपूत जी, मेरे तकनीकी साथियों ने पुनः मेरे ऊपर विश्वास किया है जी। मैं उनके सम्मान के लिए हमेशा लड़ता रहूंगा जी। लड़ा हूँ, लड़ता रहूंगा जी। यह मैं अपने साथियों को आश्वस्त करता हूँ जी। और नहीं और आगे काम कैसे करेंगे? बहुत लड़ाइयाँ पड़ेंगी क्योंकि आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, जैसे पिछले साल करते चले आए, पूर्व में करते चले आए, तो क्या आगे भी संभव है? आगे भी संभव है, हम आगे तक भिड़ते रहते हैं, कहीं पीछे हटने वाले हम है ही नहीं जी। और हम अपनी टीम को पुनः अपना अध्यक्ष पद चुनने पर बधाई देता हूं और जो हमारी कार्यकारिणी है हमेशा से ही हमारा सहयोग की है जी। कहीं भी कोई पीछे नहीं रहा है जी। तो हम अपनी कमेटी को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आए हुए हमारे जो सेंट्रल कमेटी के पदाधिकारी हैं जी, मध्यांचल के पदाधिकारी हैं जी, और हमारे गोंडा श्रावस्ती जी के जिलाध्यक्ष जिला सचिव, सबको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।